पहले तो मुझे चलानी नहीं आती, दूसरी बात जब मुझे चलानी है इन्होंने बंद कर दी। बस ये यहाँ से ले गए, ये लुक है। KFC में अब बैठने के लिए जगह नहीं है तो खड़े होना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं जा रही हूँ बहुत सी इंटरेस्टिंग जगह पे जो कि पहले आपने ना देखी हो, क्योंकि पहले मैंने भी नहीं देखी। तो इस वजह से मेरी जो एक्साइटमेंट है वो डबल ट्रिपल सारा कुछ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक मैं तैयार बिल्कुल भी नहीं हुई, अब मैं जाके होती हूँ तैयार। और तब तक आपने एक मेरा छोटा सा काम करना है, बिल्कुल छोटा सा, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बहुत ही मजेदार की वीडियोज आगे आने वाली है। चले जी, अब टाइम कम है, मैं होती हूँ तैयार। तैयार होकर आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय जी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब हम चलते हैं जहाँ पे हमने जाना है। ये रही मेरी सैंडल और ये मैंने जीन्स पहनी है और ये मेरा क्यूट सा छोटू सा बैग है। तो ये है मेरी फुल लुक, सो आई एम रेडी टू गो। मैं कुछ हल्का फुल्का ही खाऊंगी क्योंकि उसके बाद मैंने लेने हैं झूले, तो मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसलिए लेट्स सी अब मैं क्या ऑर्डर करती हूँ। मैं कह रही थी पानी पूरी खा लेते खाते। जो गोलगप्पे मैंने ऑर्डर किए हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे मामा मुझे कहने के शायद बेटा आपने हाफ प्लेट ऑर्डर की है, लेकिन मैंने कहा नहीं मामा, ये 6 गोलगप्पे ही मुझे 300 रुपये के मिले हैं और मेरा मशवरा यह है कि आप भी यहाँ पर जाके मत खाइएगा क्योंकि ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे। तो ये प्लेटर बेसिकली मामा ने ऑर्डर किया है और गोलगप्पे तो आपको मैंने बताया कि बिल्कुल मज़े के नहीं थे। तो मुझे लगी थी भूख, मैंने सोचा क्यों ना मामा को कंपनी दें और उनके साथ बातें करते हैं, साथ साथ थोड़ा सा खा लेते हैं। एज यू गाइस कैन सी के मेरे पीछे है ये फन दुनिया, ये दुनिया कितनी क्यूट है। बाहर अभी मैं कर रही हूँ, अब मैं यहाँ से टिकट लेती हूँ, देन अंदर जाते हैं, देन अंदर जाके एडवेंचर करेंगे, मिलते हैं अंदर। टिकट्स जो है वो हमने ले ली है, मैंने और मेरी बहन ने, मामा पापा जो है वो बाहर इंतजार करेंगे हमारा। एंट्री टिकट 100 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी और फिर अब हम चलते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं कि क्या सीन्स हैं। इस लुक के हैं खूबसूरत और यहाँ पे तो बच्चों के हैं यार, तो सारे बच्चों के हैं, मुझे लगा बड़ों के भी हैं, मेरा यहाँ पे क्या काम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सारे बच्चों के ही हैं, मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, अगर बड़ों के लिए कोई झूला वगैरह है तो वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं। ये है बम्पर कार्स और ये हॉरर हाउस और ये छोटा सा जो भी है यार, इसमें तो बंद लोग टिकट पैसे जाए करके ले रहे हैं, फजूल का लग रहा है मुझे। खैर उस पर भी मैं बिल्कुल नहीं बैठती हूँ, ये देखो ये तो इतनी ऊपर जा नहीं रही जितने लोग चीखे मार रहे हैं। यहाँ से हम लेने लगे हैं एक बम्पर कार और एक हम लेंगे क्या है, किधर गया है, मोशन राइड या XT राइड, और इनकी प्राइजेस ये लगे हैं। फाइनली मैंने XT राइड की टिकट ले ली है जो कि 380 या 340 की है।
जी तो मैं जा रही हूँ राइड लेने, मुझे कोई आइडिया नहीं कि राइड कैसी होने वाली है, क्योंकि XD राइड से आपको क्या ही पता चलेगा कि वो कैसी होने वाली है। अब जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। उसके लाइट्स का चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। यार मुझे वैसे था कि काफ़ी एडवेंचर वाला होगा, लेकिन बहुत ही फजूल जगह है। बाकी XD एडवेंचर लिखा हुआ है, ये है मोशन राइड और ये भी नहीं पता कि हम हमारी मर्जी में लगाते हैं कि नहीं। वो अभी मोशन राइड है, कितना टाइम लगेगा स्टार्ट? अभी चला रहा है, चलो ठीक है ठीक से। सो फ्रेंड्स, हमने सेलेक्ट किया है मिस्टीरियस आ जो जैसे स्टार्ट पे देखते हैं। ओके जब सांप आया था, उसके अलावा जरा मजे की नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे की हवा ले लिया। यहाँ पे हो चुका है अंधेरा और देखिए इनकी लाइटिंग कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है, अब ज्यादा खूबसूरत लग रहा है लाइट्स में। अगेन हॉरर हाउस। अच्छा, हमारी जो टिकट है वो हमने इसकी बाय कर ली है, हम यहाँ से चलते हैं अंदर और देखते हैं इसका क्या सीन है। पहले वाली तो बस गुजर गई है, यार देखो ये बस इतनी है, उन्होंने वहाँ पे मिरर लगा दिया, उसको ऐसा लग रहा है भरा दिया हुआ, लेकिन बस ये है। ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, देखो तो ऐसा लग रहा है कितनी लंबी है, लेकिन ये बस यहाँ ही वहाँ पर हैपन हो जाती है वो शीशा। यू कैन सी मी, अपने लिए राइड वाले और वो मेरी सिस्टर किधर गया, सिस्टर वहाँ पे और ये क्यूट सी बच्ची है। हेलो हेलो, आती है आपको चलाने? Thank you.
चलानी आई थी, इन्होंने बंद कर दिया। यार इसको मेरे से लंच चलानी आती है, मैं मेरे से छोटी होती है। चुप कर, कोई चीज़ अच्छी थी। बाय बाय। जैसा कि आपने देखा कि ये राइड थोड़ी मुझे मजे की लगी थी, पहले तो मुझे चलानी नहीं आती, दूसरी बार जब मुझे चलानी है इन्होंने बंद कर दी। दीदी ये बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है। आई गेस घर चलते हैं, कुछ भी नहीं है इधर। चलो चलिए, हम यहाँ पे इधर आए हैं तो हॉरर हाउस में क्या ख्याल है? और जरा दूर से देखें यार, वो देखो हॉरर हाउस के अंदर झूले लगे हुए हैं। हाँ सॉरी सॉरी, अकल बंद हूँ बंद। ये देखो क्या है, बिल्कुल बंद है। अच्छा वहाँ से जाते हैं, पता नहीं क्या बराए मेहरबानी यहाँ से गुजरन। अच्छा जाने फिर आ गए हैं गुजरन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद प्यारे गाँव जी का बहुत ही हॉरर आवाज़ें आने। जो मेरा प्लान था कि मैं ये लूँ, लेकिन अब मेरा प्लान जो है वो कैंसिल हो चुका है। मैं चलती हूँ मामा पापा के पास, मैं रिव्यू देती चलूँ कि सारे पैसे बस ये वहाँ से ले गए वहाँ तक, एक लुक है उसके हैं, उसके अलावा यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। इससे अच्छा आप सियालकोट की सिंबा चले जाए, आपको ज़्यादा वेराइटी मिलेगी। और इतनी दूर पहले आप गुजरा वाला है अपना पेट्रोल खर्च करें, पेट्रोल जो कि आजकल बहुत ही महंगा हो चुका हुआ है, तो फ़ायदा नहीं। बस ये यहाँ से ले गए, ये लुक है, ये आप इधर भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आज का दिन सक्सेसफुल मैंने ज़ाया किया है, चलते हैं घर। ये देखें ये क्या चीज़ है, चौकर तो मुझे वैसे लग रहा है, कुछ अजीब सा ये डर भी लग रहा है। चलें जी अब चलते हैं वापस, वापसी का रास्ता ये नहीं बल्कि एग्ज़िट वहाँ पे लिखा हुआ था, हम वहाँ से चलते हैं। फन दुनिया के बिल्कुल सामने, बल्कि सामने नहीं है, उसके इर्द गिर्द हर जगह पे ब्रांड की शॉप्स है इतनी ज़्यादा। फिर मैंने मामा को थोड़ा सा मनाया कि चले कोई बात नहीं, विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं। मुझे चाहिए एक टॉप जो कि मैं जीन्स के ऊपर पहन सकूं, क्योंकि कल हमने जाना है जिम में, वहाँ जाके हमारा एक प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मुझे कपड़े चाहिए। और यहाँ पे एज सच मेरी पसंद का कुछ नहीं है, अब अगली शॉप पे जाते हैं। एक तो शॉप विज़िट करने के बाद मुझे मेरी पसंद मिल ही गई, मुझे मेरा फ़्रॉक मिल गया, जो कि थोड़ा सा कन्विंस किया मामा को ताकि मुझे ले दें, तो मामा ने मुझे ले दिया। अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो कुछ खा पी लेते हैं। रश इतना ज़्यादा है, लेट्स सी। यही दिन रह गया कि KFC में अब बैठने के लिए जगह नहीं है, तो खड़े होना पड़ रहा। One eternity later. Guys, तो ये मैंने ले लिया पीछे KFC से finally. तो क्या नाचो मैं? जी तो अब मैं बर्गर खाती हूँ और फिर घर जाती हूँ, क्योंकि घर जाते भी हमें एक घंटा लग जाएगा। मुझे अपने घर जाना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। जी तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।